पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः औषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामशान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नोऽभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु बैठो। तुमने अपना निर्णय सुना दिया, मेरा निर्णय नहीं सुनकर जाओगे? श्रीयक, आज से मेरा तुम्हारे साथ संबंध मेरी ओर से और दृढ़ होगा। मैं तुम्हारे हाथों अपमान, तुम्हारी घृणा, तुम्हारी प्रताड़ना, तुम्हारे द्वारा उपेक्षा सब सहूंगा, तब तक जब तक कि तुम मुझे अपने स्नेह का पात्र न समझो। श्रीयक, मैं तुम्हारे मन के द्वार सदैव खटखटाऊंगा जब तक तुम उन्हें खोलते नहीं। जितना तुम्हारा मेरे प्रति घृणा, क्रोध एवं उपेक्षा का आवेग बढ़ेगा, उतने ही वेग से मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे स्नेह के बिना मैं अधूरा हूं। वास्तव में यह तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह है जो तुमसे मुझ पर क्रोध करवाता है। तुम्हें मुझ पर क्रोध करने का अधिकार है, मेरे मित्र को यह अधिकार है। मंत्रीवर, अब तुम जा सकते हो। श्री अजय, तुम विनाश से डरते हो। विष्णु, याद है तुम्हें, मैंने कहा था एक दिन तुम हम सबको लड़वाओगे, और तुमने कहा था कि तुम भागने का मौका भी नहीं दोगे। अब भय नहीं लगता, हथियार से भी नहीं। तो आग की लपटें उठने लगी। आपने कुछ कहा मत? नहीं,
अक्षय, अक्षय, अक्षय। यदि हम लिच्छवी और विज्जी गणराज्यों से मित्रता स्थापित कर सकें, तो मगध विजय का हमारा मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। वैशाली में हमारे गुप्तचर सक्रिय हैं और शीघ्र ही गणराज्यों की हमारे प्रति नीति स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए उनकी सूचना आने तक हमें उनकी प्रतीक्षा करनी है। और तब तक आप अपने अपने सैन्य को प्रयाण के लिए तैयार करें, उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उन्हें विजय का विश्वास दिलाएं, क्योंकि अब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है और संभव है कि युद्ध भयंकर हो। सभा विसर्जित करने से पूर्व यदि कोई अपने विचार रखना चाहे तो रख सकता है। कुमार, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप कह सकते हैं। कुमार, मगध की सीमा में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति की युद्ध में भूमिका और उसके अधिकार निश्चित हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ओर से विजय का पूरा प्रयत्न करेगा। युद्ध में हर किसी की बराबर की भूमिका है, सभी योद्धा हैं। नेतृत्व एवं सैन्य संचालन मोर्चों की संख्या व आक्रमण के व्यूह पर निर्भर करेगा, अधिकार भी सभी के बराबर हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कुमार, मैं मगध विजय के पश्चात की बात कर रहा हूँ। इसमें इतनी शीघ्रता की क्या आवश्यकता है मलयराज? और वैसे भी कुमार तो कह ही चुके हैं कि सबकी भूमिका और सबके अधिकार बराबर बराबर रहेंगे। पहले मगध विजय तो हो जाए, फिर अपना अपना अधिकार बांट लेंगे। यह तो सामान्य से व्यवहार की बात है। क्या आप मगध को 5 भागों में विभक्त करने का विचार कर रहे हैं? यदि आप चाहें तो कुमार ऐसा कर सकते हैं। क्यों कुमार? पर हमें मगध की भूमि में कोई रुचि नहीं है। हमें से आपका तात्पर्य? पौरव राज और आपके अतिरिक्त हम सब। मलयराज, यह स्थान इन बातों के योग्य नहीं है। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, क्यों काश्मीर नरेश? बाद में परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं पौरव राज, और हम विचार ही तो कर रहे हैं, क्यों कुलूत नरेश? हाँ, इसमें आपत्ति क्या है? जो कल करना है वो आज ही हो जाए। पौरवराज, आप क्या चाहते हैं? कुमार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो के राज का प्रतिनिधि हूं, मेरा अधिकार तो समर्पण का है। मैं आपके साथ अपेक्षा से नहीं आया हूं, मैं तो के राज की आज्ञा से आया हूं। मेरा अधिकार तो शेष पर है, यदि मैं कोई त्रुटि कर रहा हूं तो आप मेरी त्रुटि की ओर संकेत कर सकते हैं। के राज की आज्ञा का सम्मान हमने भी किया है पौरवराज, पर मगध विजय का अर्थ मात्र मगध की भूमि पर तो विजय नहीं है। मगध का कोष मगध की संपदा पर किसी न किसी का तो अधिकार होगा ही। मगध का कोष मगध की संपदा इस राष्ट्र की संपत्ति है, और ये राष्ट्र हम सबका। इसीलिए मैं अपने अपने अधिकार की बात कर रहा था पौरवराज। इस राष्ट्र का अर्थ मात्र हम कुछ लोग तो नहीं है मलयराज, मगध का एक एक नागरिक मगध की संपदा का स्वामी है। हमारा अधिकार सिर्फ उसकी रक्षा करना है। पर युद्ध वे नागरिक तो नहीं कर रहे हैं कुमार, नंद से उन्हें मुक्ति हम दिलवा रहे हैं, मगध की मुक्ति का मार्ग हम प्रशस्त कर रहे हैं,
तो मगध और मगध की संपदा पर अधिकार भी तो हमारा ही होगा ना। मलयराज, हम ये युद्ध मगध की भूमि, मगध की संपदा के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप राष्ट्र की एकता के नाम पर अन्य राज्य परिवारों का भी उच्छेद करेंगे? मलयराज, यह समय चर्चा का नहीं है। क्या केके राज ने यही कहकर आप लोगों को यहाँ भेजा था कि जाओ मगध की भूमि, मगध की संपदा लूट लो? कुमार, ये सामान्य व्यवहार है और केके राज व्यवहार कुशल है, इसीलिए हम मगध की भूमि पर अपना अधिकार छोड़ रहे हैं। पारिश्रमिक नहीं, पर पुरस्कार पर तो हमारा अधिकार है ही। मगध की विजित भूमि पर चाहे आप राज्य करें, चाहे पौरव राज, हमें कोई आपत्ति नहीं। पौरव राज। कहिए कुमार। आप केके राज के प्रतिनिधि हैं, आप ही निर्णय कीजिए, आपका निर्णय मुझे मान्य होगा। कुमार, आप विचलित हो रहे हैं, आप कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए, तब तक मैं अपने मित्रों को समझाने का प्रयत्न करता हूं। हमें कुछ देर के लिए कुमार को विश्राम देना चाहिए, तब तक के लिए आप मेरे शिविर में आमंत्रित हैं। कुमार, इन विचारों को लेकर इतना उद्वेलित होने की कोई आवश्यकता नहीं, चिंताएं आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। अक्षय, कुमार को संभालो, मैं शीघ्र ही कुमार की सेवा में उपस्थित होता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए कुमार, आइए। आर्य, हम मगध को बांटने की अभिलाषा से तो यहां नहीं आए थे, समझाइए उन्हें। इस राष्ट्र को तो एकत्र कर नहीं सके, आज वे अपनी भूमि का, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, कल वे मगध की भूमि को खंड खंड करने की बात करेंगे, इसे कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? और मैं किस अधिकार से उन्हें वचन दे सकता हूं? आज तक मैं मात्र अपने आचार्य की आज्ञा का पालन ही तो करते आया था, मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा हुई थी, अधिकारों का निर्णय करने की नहीं। कुमार, और मैं उन्हें कैसे वे वचन दे सकता हूं जिसका अधिकार मुझे है ही नहीं? कुमार, कुछ निर्णय भविष्य पर छोड़ दीजिए, आचार्य आपकी पाटलिपुत्र में प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहां आपकी दुविधाओं और समस्याओं का भी कोई उत्तर नहीं है। मलयराज की वार्ता से आप उद्वेलित हो रहे होंगे, पर कुछ समय पश्चात आपको पौरव राज से उनके अधिकारों के संबंध में वार्ता करनी होगी। आश्चर्यचकित मत होइए कुमार, अभी आपको अनेक कटु सत्यों का सामना करना है, चाहे निर्णय कितने ही आत्मघातिक प्रतीत क्यों ना हो, हमें अपना मार्ग नहीं बदलना है, हमें मगध पर विजय पानी है, किसी भी मूल्य पर, किसी भी प्रकार, यही आचार्य की इच्छा है और यही आज्ञा। आप लोग पुनः एक बार विचार कर लें। मैं मानता हूं कि मगध विजय के पश्चात मगध की भूमि पर अनेकों उपद्रव होंगे और ऐसी स्थिति में पाटलिपुत्र में निवास करना सुरक्षित नहीं होगा, पर असुरक्षा के भय से मगध की भूमि पर अपने अधिकारों को छोड़ देना मेरी दृष्टि में योग्य नहीं होगा। पर मैं आपको पाटलिपुत्र में निवास करने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, आपका जीवन मेरे लिए अमूल्य है, जीवित रहे तो विजय का सुख, विजय की उपलब्धि भोग सकेंगे, इसलिए आपका दीर्घायु होना मेरी दृष्टि में अत्यंत आवश्यक है और ईश्वर आपको दीर्घायु करेंगे ही। पर इसके पहले कि मैं कुमार से वार्ता करूं, मैं आपसे पुनः एक बार प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने अधिकारों को लेकर आप स्वयं को आश्वस्त कर लें, ताकि भविष्य में वचन भंग करने का पातक न मुझे सहना पड़े न आपको। क्यों मलयराज? मैं अपने निर्णय पर अटल हूं। हम अपने निर्णय पर अटल हैं। तो मैं कुमार से वार्ता कर उन्हें वचनबद्ध कर लेता हूं। आप निश्चिंत रहें, आपको आपके समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। आप चाहें तो प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं।
आर्य पौरव आपसे भेंट की अनुमति चाहते हैं। पौरव राज को भीतर ले आओ। यदि आपको आपत्ति न हो तो क्यों ना अनुज व अक्षय मेरे शिविर में अपना कुछ समय बिताएं। कुमार इसे अन्यथा न लें। अब हमें अपने अपने शिविरों की सीमा तोड़ एक दूसरे के और निकट आना चाहिए। आपने क्या निर्णय किया पौरवराज? कुमार, कुलूत नरेश, कश्मीर नरेश, मलयराज, सिंधु सेन और मेघानंद चाहते हैं कि मगध के राजकोष को बराबर बराबर भागों में विभक्त किया जाए और मगध विजय के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को उसके भाग के साथ साथ 3 सहस्त्र अश्व, 2-2 शत रथ अपने साथ अपने राज्य ले जाने का अधिकार होना चाहिए। ये तो अनर्थ है। इससे तो मगध का आर्थिक व सामरिक सामर्थ्य क्षीण हो जाएगा, मगध जर्जरित हो जाएगा। मैं इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे सकता। मैं जानता था कुमार कि तुम यही कहोगे और मैं जानता हूँ कि तुम ठीक ही कह रहे हो, पर अब तुम्हें मेरे निर्णय को मान्य करना ही होगा। क्यों, क्या आप उन्हें? हाँ कुमार, मैं अपनी ओर से उन्हें वचन दे चुका हूँ। पौरवराज, आप उन्हें पुनः समझाइए, चाहे तो मगध पे वे राज्य करें, पर इस प्रकार मगध को श्रीहीन सामर्थ्यहीन न बनाएं। मगध की प्रजा इस अपराध के लिए हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। मैं जानता हूँ, पर वे राज्य नहीं चाहते, सेवा की वृत्ति चाहते हैं। और मेरे आचार्य और पुरुषश्रेष्ठ जिनके आप प्रतिनिधि हैं, क्या हमारे इस निर्णय को स्वीकार कर पाएंगे? कुमार, निर्णय वही करेंगे जिनमें सामर्थ्य होगा। अर्थात? निर्णय तुम्हें और मुझे करना है। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा। कुमार, मैं जानता हूं कि तुम्हारे निर्णय तुम्हारे आचार्य करते हैं और तुम्हारे आचार्य एक स्वप्न दृष्टा है और तुम उनके स्वप्न का यथार्थ। मैं ये भी जानता हूं कि मैं पुरुषेष्ठ की आज्ञा मानने को विवश था। मैं जानता हूं कि पुरुषेष्ठ ने मुझे यहां मरने के लिए ही भेजा है और मैं ये भी जानता हूं कि अगर यहां से मैं जीवित लौट भी गया तो मेरे पास पुरुषेष्ठ की दास्ता के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मरता क्या न करता, इसलिए उनकी आज्ञा से मैं तुम्हारे साथ हो लिया। पर मैं जानता हूं कि मगध विजय के पश्चात भी पुरुषश्रेष्ठ मगध की सत्ता पर आरूढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी स्पर्धा तुम्हारे साथ है। इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। इसमें भी उनका स्वार्थ था, स्वयं नहीं तो स्वयं का प्रतिनिधि ही सही। कम से कम सामर्थ्य विघटित तो होगा और हमें नियंत्रित करने और निर्णायक सामर्थ्य अपने पास रखने के दृष्टिकोण से उन्होंने इन पंच पुरुषों को हमारे साथ कर दिया, ताकि मगध छिन्न भिन्न हो, मगध खंड खंड हो और मगध सामर्थ्यहीन हो, ताकि अवसर आने पर वे मगध को निलंकृत कर सकें। पर ऐसा न भी कर सके तो पंचनद प्रदेश में उनकी प्रभुसत्ता अक्षुण रहे, इसलिए उन्होंने वाहिक प्रदेश में तुम्हारे साथ साथ मुझसे भी मुक्ति पाली। पर यही उनका दुर्भाग्य था कि उन्होंने हम दोनों को एक साथ कर दिया और उन्होंने तुम्हारे सामर्थ्य का आकलन ठीक नहीं किया और मुझ पर अविश्वास कर युद्ध की विभीषिका में आत्मघात करने के लिए बाध्य किया। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं पुरुषश्रेष्ठ के निर्णय को स्वीकार करूंगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि निर्णय तुम्हें और मुझे करना है। आपने कोई निर्णय किया है? कुमार, तुम्हारी सारी दुविधाएं मैं दूर कर सकता हूं यदि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। आपका प्रस्ताव क्या है आर्य? मगध पर तुम्हारा और मेरा बराबर बराबर अधिकार। पर क्या ऐसा करना उचित होगा? इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई मार्ग भी है कुमार? किंतु श्रीहीन सामर्थ्यहीन मगध की रक्षा करना हमारे लिए कठिन होगा। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे
आपका प्रस्ताव स्वीकार है तो मैं अपने पंच पुरुषों को उनके अधिकारों के प्रति आश्वस्त कर देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि तुम मेरे और तुम्हारे बीच हुई वार्ता की गंभीरता को समझते हो। कुमार, अब मैं आगे जाऊंगा। आपने अपनी भविष्य की योजनाएं अभी तक स्पष्ट नहीं की। विराट गुप्त को नेपाल से आ जाने दो, व्यूहरचना उसके बाद होगी। प्रणाम। राजकोष, सामरिक शक्ति के विभाजन एवं आधा राज्य चंद्रगुप्त को दे देने के पश्चात हमारे पास क्या रह जाएगा? पिताजी, रिक्त राजकोष और सामरिक सामर्थ्य के अभाव में हम क्या करेंगे मगध में? हतोत्साहित मत हो कुमार, रणनीति के बदल जाने से कुशल योद्धा पराजित नहीं माने जाते। मैंने रणनीति में परिवर्तन किया है, ध्येय में नहीं। चाहता तो मैं भी था कि इस राजनीतिक व्यापार का यह प्रसंग मगध की सीमा में प्रवेश होने तक टाला जा सके, पर मलय राज, सिंधु सेन, कुलुत नरेश, कश्मीर नरेश व मेघानंद हतोत्साहित, हतबल व अधीर हो रहे थे, तो मैंने भी यह अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दिया। पर अब आप क्या कर पाएंगे पिताजी? कुमार, मैंने उन्हें वचन दिया है, वचन। पर चंद्रगुप्त? इसलिए मैंने उसे आधे राज्य का वचन दे अपनी ओर कर लिया। भीरू और कायर अनेक योद्धाओं की मित्रता से एक सबल और सामर्थ्यवान वीर की मित्रता अधिक उपयुक्त होती है। चंद्रगुप्त अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए मगध व मगध के राजकोष की रक्षा करेंगे ही। चंद्रगुप्त के सामर्थ्य व उनकी सहायता से हमें एक एक से मुक्ति पानी है, और जब तक चंद्रगुप्त उनसे मुक्त नहीं हो जाते, वे हमारी ओर दृष्टिपात नहीं कर सकते। अंत में रह गए हम और कुमार। हम थोड़ा सावधान और सतर्क रहे तो कुमार से भी मुक्ति पाने के अवसर मिल ही जाएंगे। कुमार, चंद्रगुप्त को विजय का श्रेय लेने दो। आवश्यकता पड़ी तो कुमार के शत्रुओं को हम अपनी ओर आकेंगे। हर स्थिति में मगध का मुकुट तुम्हारे सर पर ही होगा, अंतिम विजय हमारी ही होगी। संज्ञानम् नहस्वेभि संज्ञानम् अरणेभि संज्ञानम् अश्विनायुवा निहास्मासुनियच्छतम् संजानामहै मनसा संचिकित्सा युत्स्महि मनसा दैवेन मा घोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानम् नहस्वेभि संज्ञानमरणेभि संज्ञानमश्विनायुव निहास्मासु नियच्छतम् संजानामहै मनसा संचिकित्स्वाम युत्स्महि मनसा दैवेन मा घोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य अन्यागते संज्ञानम् नहस्वेभि संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव निहास्मासु नियच्छतम्।